की कहानी आपकी किस बारे से? माई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मेरे हस्बैंड की अभी एक साल हुआ है डेथ हुई है। तो हमारे यहाँ ये हुआ है कि हमारी सास ने जैसे मुझे कहा है कि जैसे एक तो मैं वैसे ही इतनी तकलीफ़ से गुजर रही हूँ और उन्होंने कहा है कि जैसे इसकी वजह से ही हमारे बेटे की डेथ हो गई है और ये मनहूस है इस तरीके से, और मेरे 5 बच्चे हैं माशाल्लाह से, तो अभी वो इस काबिल नहीं है कि वो कोई जॉब कर सकें, अभी ज़ाहिर पढ़ रहे हैं, बच्चे छोटे हैं। तो कहा ये जा रहा है कि अगर मेरे थोड़े देवर जैसे करते हैं घर में, थोड़ी मेरी किफ़ालत कर रहे थे तो उनको रोका जाता है, और ये अब ये कहा जा रहा है कि ये यहाँ से चली जाए, मतलब इसका जो हिस्सा बनता है लेके ये यहाँ से चली जाए, यहाँ ना रहे, घर में कुछ कंडीशन ऐसी कर दी हैं। तो अब मैं कहाँ जाऊँ, मतलब मेरे छोटे बच्चे हैं, अभी मैं कहीं ऐसा रह नहीं सकती कहीं जाके, और किफालत कौन कर रहा है? किफालत भी अभी करने को यहाँ पे कोई तैयार नहीं है, अभी वैसे ही जैसे चल रहा है बस चला रहे हैं अल्लाह ताला। मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते थे। अच्छा। तो उनकी अचानक डेथ हुई थी, कैंसर हो गया था उनको ना। अच्छा। तो अब उसके बाद से बच्चे अभी इस काबिल नहीं है कोई भी जॉब वगैरह कर सके, पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे ना सब, छोटा वाला भी बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पे ये हो गया है कि एक तो उनको घर में मेरा रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा वो शक की बुनियाद पे या जो भी है मेरी देवरानी को, कि ये शक थोड़ा करती है वो। अच्छा। और दूसरा ये है कि आपकी देवरानी आप पे शक करती है? जी। उनको क्या लगता है कि उनको लगता है कहीं मेरे देवर ना कर लें शादी, ये वजह है। तो इस वजह से उनको यहाँ पे मेरा रहना पड़ता। अब वो हिस्से का कह रहे हैं कि हिस्सा दे देते हैं, पर हिस्से का अमाउंट वो मेरे हिसाब से आजकल नहीं है ऐसा कि मैं कहीं जाके रहना अपना रह सकूँ मैं कहीं जाके अभी अपने बच्चों को लेके ना। ये जो घर जिसमें आप रह रही हैं ये किराए का घर है? नहीं, ये हमारे ससुर का घर है। आपके ससुर का घर है? जी। और मैंने कभी घर से बाहर मैं निकली नहीं हूँ आज तक, मेरी शादी को 20 साल हो गए तो मैं घर से बाहर नहीं निकली कभी। अब अचानक से मेरे ऊपर ऐसी आ गया वक्त के, ज़ाहिर है मैं निकल के अभी जॉब करने की उसमें नहीं हूँ पोजीशन में, मैं कहीं एकदम निकल के जॉब कर लूँ, क्योंकि मैं कभी निकली नहीं हूँ घर से, कभी घर से निकली मैं। हम जैसा भी था मेरे हस्बैंड करते थे जॉब, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा था हिसाब जो भी था। तो अब ये है कि लोगों पर भी इंसान आ जाता है तो बेवा की ज़िंदगी क्या मैं कर सकते? अलामा साहब क्या यहाँ पर हल हो सकता है कि 5 बच्चे हैं, कोई किफ़ालत करने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ पे क्या किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें यहाँ जो मसला है, दो मसाइल होंगे, एक है तो है आकाम इस्लाम और एक है आकाम अखलाकियात। ठीक है। आकाम इस्लाम की रोशनी में देखा जाए तो अब आयन के ससुर जिंदा हैं, जो जो कुछ भी है उसके वाले से उनके ससुर हैं। अगर ससुर जिंदा हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि शरीयत क्या हुक्म दे रही है वो अपने मकाम पे रहा। ठीक है। लेकिन ये कि अखलाकी जिम्मेदारी ससुर की बनती है कि ससुर अपने बच्चे बेटे की औलाद के लिए कुछ ना कुछ सोचे हैं अगर जिंदा हैं तो। आपके ससुर जिंदा हैं? अच्छा, नहीं है तो जो ससुर की प्रॉपर्टी थी वो मुंतकिल हो गई थी बाद में, वारिसों में नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। तो पहला मरहला तो अब ये हो गया कि ये बड़ा अलमिया है। अक्सर आज हम किसी से कहते हैं ना, अगर अपनी ज़िंदगी वसीयत लिखें तो वो कहते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, वसीयत क्यों लिखी? यही यही जिम्मेदारी नहीं कह सकते किसी को क्या वसीयत लिखी, यही शरण ये वाजिबात में से है, वाजिब हुक्म अहकाम में है कि इंसान अपनी ज़िंदगी वसीयत लिखे ताकि वसीयत में मेंशन हो जाए कि मेरे मरने के बाद कोई हक से महरूम ना रह जाए। अब जो इनकी कैफियत है, इस कैफियत में क्या है, जिनके नाम प्रॉपर्टी थी वो जिंदा नहीं है। ठीक है। जब जिंदा नहीं तो प्रॉपर्टी वैसे तकसीम हो गई और वह तकसीम भी नहीं हुई, बगैर तकसीम हुए शौहर का इंतकाल हो गया। ठीक है। अब यहाँ मसला सारा दस्तार का साथ जो आएगा वो ये आएगा कि इसमें अखलाकियात का अमल दखल ज़्यादा होगा इसके अंदर। ठीक है। इनके जो देवर हैं या जेठ हैं, इनकी सास जो हैं, अखलाकी हवाले से शरीयत जो जिम्मेदारी डाल रही है वो डाल रही है कि उन यतीम बच्चों का ख्याल रखा जाए। जब शरीयत ये कहती है कि कोई भी यतीम बच्चा हो, कोई भी बेवा हो, उसका ख्याल रखें, तो ये तो अपना खून है ना। हाँ, इसका ठीक है ना, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है ताकि वो अपने लिए जहन्नुम ना खरीदें। अच्छा, दूसरी बात ये रही कि जहाँ ताल्लुक रहा कि जो इनको मिलेगा उसमें से जो देना चाहते हैं उसमें गुजर औकात नहीं हो सकती, ये एक मैटर अपने आने का अलग है। जाहिर कि इनका जो मैटर वो ये है कि सारा के साथ जो इनके जो घर वाले हैं वो जहाँ रह रही हैं उनकी अखलाकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है, इस्लामी जिम्मेदारी ज़्यादा, क्योंकि इस्लामी जिम्मेदारी के अंदर तो बहुत सारी जहद लेकर आ जाएंगे कि विरासत में मर गए तो हक है या नहीं है, हिस्सा है या नहीं है, वो बहुत सारी जहद निकाल के लेकर आ जाएंगे। ठीक है। उसके अहकाम अलग हो जाएंगे। यहाँ इस कैफियत के अंदर यही हैं, इन जैसी और बहुत सारी फैमिली माशरे के अंदर से मसाइल हैं,
तो खुदा रहा, हम यही आपके पकवान तवसर से कहना चाहेंगे कि दुनियावी चंद्रोज को ना देखें, आखरात को देखें, जहाँ यतीम और बेवा का वैसे ही शरीयत ने एक बड़ा मकाम अता किया है, ठीक है, तो उसको ख्याल करें। इनके मामलात तो देखिए जब हो गए ना, ये किसी न किसी तरीके से खुदा मंद आलम को अजबाब बना देगा इनके लिए। लेकिन आपने जो जो विल की इम्पोर्टेंस है, यानी कि वसीयत की इम्पोर्टेंस वसीयत होनी चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, रिफत लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा सवाल थोड़ा सा लंबा है जी। मेरा सवाल ये है कि एक बेवा औरत, उसकी पहली शादी हुई थी, उसकी औलाद नहीं थी, तो उनके शोर फोत हो गए, फिर उन्होंने उनकी दूसरी शादी कर दी। वो काफी एजेड थे, तो थे काफी अमीर थे, एजेड थे, अब वो फोत हो गए, उनके पांच बेटे थे, तो क्या बेवा औरत उन पांच बेटों के साथ रह सकती है? मतलब कि वो बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं, पूरा अच्छा, हक और देते हैं। वो जो जो आप जैसे बेवा खातून की आपने बात की, उनकी वैसे उम्र क्या थी? उनकी उम्र 60 है। अच्छा, वो 60 थी। चलें चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वैसे तो हमारे यहाँ ये भी होता है, क्योंकि अगर लड़की बेवा हो तो अगर उसके रिश्ता भी देखा जाता है ना, कितना दिल हम बड़ा कर लें, तो वो अच्छी उम्र के बंदे से ही देखते हैं हम उसको, कोई अच्छा रिश्ता नहीं दिखाते। ये तो रिश्ता दिखाने की आप बात कर रहे हैं, हम तो ये सोचते ही नहीं है कि उसकी शादी कर दी जाए। हमारे माशरे में अगर कोई लड़की जवानी में बेवा हो जाती है, तो पूरी ज़िंदगी वो बच्चों की खिदमात में गुजार देती है। वो अपने भाई के बच्चे पालेगी उस घर में सब, तो हाँ। और कोई अच्छा, हम हल की तरफ आए ना, हल क्या है? हल तो यही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें मिलता है, कि अगर कोई खातून बेवा होती थी, तो हमने देखा अस्हाब का ये रवैया था कि अगर एक से बेवा हुई, फिर अगर दोबारा, क्योंकि जंगें बहुत होती थी, शहीद हो जाया करते थे, तो वो ऐसा नहीं होता था कि टाइम रोक देती थी, नहीं, बल्कि वो दूसरा निकाह उनकी जिम्मेदारी होती थी, जो माशरा था ना, उनकी जिम्मेदारी होती थी। और ये हुक्म है सूरह नूर के अंदर कि अगर कोई बेनिकाह है, यानी कि ऐसी खवातीन जो बेवा हो चुकी हैं, या मर्द हजरात जिनकी औरतें फौत हो गई हैं, तो हुक्म यही है कि वो निकाह करें। आज हम पसंद की शादी के लिए तो दूसरी और तीसरी ही कर लेते हैं, लेकिन किसी बेवा को सहारा देने के लिए आप ये सोचते हैं कि नहीं, इसके दो बच्चे हैं, मैं तो नहीं कर सकता। ठीक है, हम पर हम खवातीन ये कहती हैं कि नहीं नहीं, इसके चार बच्चे पहले से ही हैं, कौन पालेगा इसके चार बच्चों को, और हम कवारी लेकर आ जाते हैं। आप मुझे बताइए कि ऐसे माशरे में जहाँ बेवा हो जाती हैं खवातीन, वो जो दो बच्चे पल रहे हैं, वो किस तरह से पलेंगे? मैंने तो उन बच्चों को भी देखा है कि जब मेरी एक सहेली, बचपन की सहेली, बचपन की जो सहेलियां होती है ना, उनसे बड़ा आपका खास ताल्लुक होता है, तो जब मैंने कहा निखत, आप हम दोनों जो है ना पार्क लेके जाएंगे बच्चों को ना, आप यकीन करें उनके आंखों, बच्चों की आंखों की चमक ही अलग थी। अब जब मैं उसे डिस्कस करती हूँ ना कभी कि तुम मुझे बताओ तुम अपने मसलों को कैसे सॉल्व करती हो, कहती है मेरे पास कोई हल नहीं है, मेरा दिल चाहता है मैं चीख चीख के रोऊं, क्योंकि और हर बंदा उसको कॉल करके ये कहता है मैं आपके सारे खर्चे तो उठा सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते आप? ये देखा ना, ये यहाँ पे बड़ा एक अलमिया है, एक डायलेमा है सोसाइटी का। अच्छा, मैं मुझे कॉलर लूँगी, लेकिन जल्दी से मैं जवाब लूँ। नूर भाई, वो खातून की मियाँ की अगर डेथ होगी, बड़े एजेड थे, उनके पांच बच्चे हैं, तो क्या उनके साथ रह सकती हैं? अभी कहा कि खातून की एज तकरीबन 60 साल के करीब बिल्कुल रह सकती हैं, क्योंकि माशाल्लाह वो खातून की काफ़ी उम्र रसीदा, और 60 साल की उम्र में वो कहाँ जाएंगी, वो किस तरफ जाएंगी? वो अपने शोहर के घर में रह रही हैं, शरीयत ने उसको हक दिया, तो वो बिल्कुल रह सकती हैं। और वो जो उनके जो बच्चे हैं, उनके बेटे जैसे हैं, बेटे जैसे, हाँ ठीक है। वो हम वर्ड एक सौतेला ऐड करके, असल में हमारी एक बड़ा एक मसला ये भी होता है बहन, कि हमारी नज़र परसेप्शंस बड़े गलत हैं, हमारी सोच बड़ी गलत है। अब जैसे कि ये बहन का एक मैटर है कि अगर इनके देवर इंसानी अखलाकियात के तहत इनकी मदद कर रहे हैं, तो घर की औरत ही भी इनकी दुश्मन बन गई ना। अब ये देखिए ना, शक की नज़र से देखना इनके, एक तो वैसे ही टूटी हुई है, और मजीद उनको तोड़ा जा रहा है, इनकी शख्सियत को तोड़ा जा रहा है। यतीम बच्चों को बार बार ये एहसास दिलाया, तुम यतीम हो, तुम्हारा बाप मर चुका है। अब अंदाजा कीजिए कि उन बच्चों की शख्सियत को मजरूह फिर आप ही कर रहे हैं ना। अगर आप देखें, जब भी तो अल्लाह के नबी ने कहा कि कोई यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखता है, तो जितने बाल हैं अल्लाह उतनी नेकी अता फरमाता है, और यतीम बच्चों की कफालत करते हैं। हदीस का मफ़ूम
सुनिए कि मैं और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया वो इस तरह खड़े होंगे तो कितनी बड़ी बात है। हमें तो प्रमोट किया जा रहा है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चलें। और ऐसी जो बहनें जिनके घरों में इस तरह के मामलात हैं, याद रखिएगा जो इनकी कफालत करेगा, मैं हम लोग हमसे वजीफ़ा पूछते हैं ना कि आप हमें वजीफ़ा दें कि हमारे घरों में बरकतें हों, घर में तंगदस्ती ख़त्म हो, जादू नज़र हसद से बचें। मैं कहता हूँ आप अगर इस तरह के लोगों की कफालत करना शुरू कर देंगे, अल्लाह आसमान से फरिश्ते भेज के आपकी मदद करना शुरू कर देगा। क्या प्यारी बात है। क्या हमारे शाजिया हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम सलाम मदिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। शाजिया क्या पूछना चाहेंगी? मदिया मेरा सवाल ये है कि अभी रिसेंटली मेरे मामू की डेथ हुई है। जी जी। और मेरी जो मुमानी है वो उनकी सेकेंड वाइफ है और पहली वाइफ से उनकी एक बेटी है। तो अब उनकी विरासत तकसीम होने का मामला आया है तो उन्होंने एक अमाउंट बता दिया कि जी उनके पास बस यही था और यही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमें नहीं पता कि, क्योंकि हमें कभी उन्होंने बताया नहीं कि उनके पास क्या है क्या नहीं है, तो उसी पे ये मामला चल रहा है। जबकि हमारा ख्याल है कि उनके पास और बहुत कुछ है, जैसे मूवेबल है, मूवेबल भी इसमें आती है, सब आती है, लेकिन वो चीज हमें क्लियर नहीं है। और वो कह रही है बस बेटी को इतना मिलेगा और बहनों को इतना मिलेगा और मेरा इतना हिस्सा है, यही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैं बस यही सवाल करना चाह रही थी कि हमें जिस चीज का पता नहीं है, या तो हम उन पर भरोसा कर लें और मतलब आगे इस बात को वो ना करें, मतलब शरई उससे क्या है, मतलब मुझे ये चीज क्लियर नहीं है कि हमें कुछ चीजों का पता नहीं है तो बस जो मिल रहा है वहां से, क्योंकि उन्होंने हमसे ताल्लुक भी उसके बाद खत्म कर लिया बिल्कुल, कोई हमसे मतलब रابطہ नहीं है उनका। चले तो वो कोर्ट में उन्होंने ये कर दिया है कि बस ये चीज है और ये डिवाइड होगी। चले ठीक है, मुख्तसर अल्लामा साहब इस पे क्या? देखिए ज़ाहिर है कि आजकल तो खैर मालूम करने के बहुत तरीके हैं कि मरने वाले के जिम्मे क्या क्या प्रॉपर्टी वगैरह, आसान है नेट से नादर सब पता चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इनमें उनके साथ कानूनी मुकाबला करने की हिम्मत है तो कानूनी मुकाबला करें, वरना अदरवाइज नहीं है तो जो वो कह रही हैं उनका ईमान जाने खुदा जाने, जो वो दे रहे हैं उसमें जो शरीयत और कानून कहता है उसका ले लें। सही। अच्छा हमारे यहाँ से ये भी होता है कि जो बेवा खवातीन होती हैं, जब वो कहीं उनका कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, उनके माँ बाप शादी करना चाहें तो और उसके साथ कोई बच्चा अटैच हो तो ससुराल वाले कहते नहीं कि अगर तुमने शादी की तो हम तुमसे बच्चा ले लेंगे। तो ससुराल वालों के पास ऐसा कोई राइट है कि वो अपने मरहूम बेटे की औलाद को उसकी माँ से ऐसे ले लें?